छत्र में तीन पत्तियां होती हैं। ये तीन पत्तियां शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये तीन पत्तियां समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है, वह भी केवल एक बेलपत्र। जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया, वो तीनों ही भगवान शिव उसको संवार देते। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय अवधि गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान शंकर।